हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपकी शादी उन्हीं से होगी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या आपका विवाह उनसे हो पाएगा। हम ये जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे या ना करे। आपको ओपन माइंडेड होकर रीडिंग सुननी है, क्योंकि हो सकता है कि आपके सिचुएशन के साथ कुछ परसेंट रेजोनेट करे, पर हो सकता है कि कुछ परसेंट ना भी करे। ओके, लेकिन अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा, तभी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग टाइमलेस है, आप इसे कितने भी समय बाद देख रहे हैं, यह आपके साथ मैच कर सकती है, क्योंकि जिस मैसेज की ज़रूरत आपको जब होती है, वो आप तक तभी पहुंचता है। ओके, सभी जोड़िया साइंस और हर उम्र के व्यक्ति के लिए है ये रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि आपकी शादी उन्हीं से होगी, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि आपकी शादी उन्हीं से होगी। लेट्स सी, ओके जस्ट अ सेकेंड। ये कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि आपकी शादी उन्हीं से होगी। जस्टिस, एम्परर, आई नीड वन कार्ड एट वन टाइम। Five of Pentacles, सबसे पहली चीज व्यूअर्स यहां पर कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम आपके मन में है, मुझे ऐसा लगता है ये इंसान चाहता तो है आपके साथ स्टेबिलिटी। ओके, ये आपके साथ स्टेबिलिटी तो चाहते हैं, एक स्टेबल रिलेशनशिप भी चाहते हैं। ओके, और ज़रूर वो आपको एक स्टेबिलिटी ऑफर ज़रूर करेंगे, लेकिन वो अलग फॉर्म में भी हो सकती है, जैसे अभी के लिए कमिटमेंट हो सकता है, ये कोई सीरियस ऑफर हो सकता है, कोई प्रॉमिस, कोई स्ट्रॉन्ग या कमिटमेंट का कोई वादा हो सकता है, स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस हो सकता है, और सच में ऐसा लगता है जैसे आपके साथ स्टेबिलिटी चाहिए। लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स ये भी है कि सिचुएशन थोड़ी सी इस तरह रहेगी कि क्या आपकी शादी इनसे होगी। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, यहाँ पर स्टेबिलिटी तो आ सकती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर जस्टिस मिल रहा है, और जस्टिस इस प्रकार से मिल रहा है व्यूअर्स यहाँ पर कि हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी रही है तक, ये ऐसी बन जाएगी आगे जाके कि आप डिजर्व करोगे कि ये आपको स्टेबिलिटी ऑफर करें, या फिर डिवाइन जजमेंट जो होगा, डिवाइन जस्टिस जो होगा, उसके अकॉर्डिंग भी आपको ये पर्सन स्टेबिलिटी ऑफर करेगा या करेंगी। ओके, स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे, लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि शादी तक ये बात कैसे पहुँचेगी, ये अभी इतना ज्यादा क्लियर नहीं है। हाँ, ये स्टेबिलिटी है, लेकिन क्या ये शादी वाली स्टेबिलिटी है या सिर्फ कमिटमेंट है, सिर्फ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन जाएगा, एक कमिटेड रिलेशनशिप बन जाएगा, क्योंकि अभी स्टेबिलिटी नजर आती है रिश्ते में, लेकिन मैं शादी एग्जैक्ट नहीं कह सकती। और वो स्टेबिलिटी भी आपकी लाइफ में आपको इसीलिए ऑफर करेंगे बिकॉज डिवाइन जजमेंट और जस्टिस के अकॉर्डिंग आप डिजर्व करते हो वो स्टेबिलिटी आपको मिले।
इसीलिए वो कमिटमेंट या वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है या कोई प्रॉमिस है या यू नो प्रपोजल है कुछ ऐसा, वो जरूर हो सकता है जो कि आपको आगे के रिलेशनशिप के लिए यानी कि आगे आने वाले समय के लिए आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी और सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। हमेशा डर ना बना रहे कि ये इंसान तो मुझे कोई कमिटमेंट ही नहीं देता, ये इंसान मुझे कोई कमिटमेंट नहीं देता, कोई भी अश्योरेंस नहीं देता, टेम्परेरी रिश्ता बनकर रह गया है, तो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल सके, आप कंफर्टेबल सिक्योर फील कर सकें, तो मुझे लगता है आपको कमिटमेंट भी मिलेगा। और वो इसीलिए भी होगा क्योंकि वो इस रिश्ते के लिए भी जस्टिस है और आपके लिए भी जस्टिस है जो आप डिजर्व करते हो। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उनका थोड़ा एटीट्यूड ईगो प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है दिल के बुरे इंसान होंगे या व्यवहार के बुरे इंसान होंगे, जरूरी नहीं है ऐसा, लेकिन जिस तरीके की पर्सनालिटी है, जिस तरीके का कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस है, थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, जैसे अपने बारे में सोचना, खुद के बारे में भी सोचना ज़्यादा, खुद के बारे में ज़्यादा सोचना और थोड़ा ईगो में रहना, थोड़ा एटीट्यूड में रहना, थोड़ा रूड, थोड़ा कोल्ड रहना, चाहे वो मेल है फीमेल है कोई भी है इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ी सी कोल्ड वाइब है, थोड़ा सा एटीट्यूड दिख रहा है, ईगो दिख रहा है, एरोगेंस दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं अपनी ही पोजिशन में हाई स्टैंड करना और अपने ही कॉन्फिडेंस में रहना, अपनी ही ईगो एटीट्यूड में रहना और किसी के आगे भी किसी चीज़ के लिए भी या किसी पर्सन के लिए भी ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना, ज़्यादा यू नो एफर्ट्स ना लेना, ज़्यादा एडजस्ट ना करना या ज़्यादा ज़्यादा कोशिशें ना करना, बिकॉज इनका ईगो का इशू है। यहाँ पे थोड़ा अहम है अपने आप में कि मैं कुछ हूँ तो मुझे अपने आप लोग अप्रोच करेंगे, मैं क्यों अप्रोच करूँ या मैं अभी ऐसा क्यों करूँ, तो अभी उनका थोड़ा ऐसा हो सकता है कि वो ईगोइस्टिक हैं या थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हैं या दिखाती हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में व्यूअर्स आपको जस्टिस मिलेगा और ये इंसान आपको स्टेबिलिटी ऑफर कर सकता है, क्योंकि करंट सिचुएशन तो मुझे ऐसी लग रही है आप लोगों के बीच कि आप लोगों के बीच बात नहीं हो रही, देर इज़ नो कम्युनिकेशन और लेस कम्युनिकेशन और मे बी नो कॉन्टैक्ट, ओके, ऐसी सिचुएशन लग रही है जहाँ पर मुझे आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। कैन यू सी दिस फाइव ऑफ पेंटिकल्स, दिस गर्ल इज सिटिंग हियर, ओके, इनका जो फेस है वो भी डाउन है और ऐसे बैठी हुई हैं जैसे, और दरवाज़ा भी यहाँ पर बंद है, बहुत ऐसा लगता है जैसे डिसअपॉइंटमेंट है और कहीं ना कहीं किसी चीज़ की नीड भी है। तो व्यूअर्स, ये आपके लिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पर कि आप किसी चीज़ से बहुत निराश हैं और ऑफ कोर्स ये इस रिश्ते को लेकर ये बात हो रही है यहाँ पे, तो इस कनेक्शन को लेकर आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, इफ़ नॉट बहुत कुछ तो जो भी कुछ आपने एक्सपेक्ट किया था वो एक्सपेक्टेशंस आपकी अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, और पूरी होना तो दूर की बात है। यहाँ पर आपके पर्सन आपको कोल्ड एंड रूड बिहेवियर भी शो कर रहे हैं, इफ़ नॉट रूड तो एटीट्यूड, ओके, एटीट्यूड ईगो ये शो कर रहे हैं आपको, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं, फेड अप हो गए हैं और उससे भी ज़्यादा निराश हो गए हैं कि ये मैंने अपनी लाइफ में क्या किया, ये इंसान मुझे इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है या फिर ये इतना कोल्ड क्यों है, इतना ज़्यादा यू नो क्या कहेंगे, इतना ज़्यादा ईगोइस्टिक या ऐसा कैसे है, तो आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आपको फील हो रहा है और डिसअपॉइंटेड आप खुद से भी हैं कि आपने क्या एक्सपेक्ट किया था और ये हुआ क्या, आप इतने गलत कैसे हो सकते हैं किसी को चुनने में, आप अपने लिए सवाल खड़े कर रहे हैं कि मुझसे ये कैसे हुआ, क्योंकि अब आपको एक सोल्यूशन चाहिए, अब आपके कहीं ना कहीं आप जिस जितना निराश हो चुके हैं ऐसा लगता है कि अब आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ में एक रे ऑफ होप नज़र आए, यानी कि कोई उम्मीद तो नज़र आए, मैं किस उम्मीद पर इस इंसान का इंतज़ार करूं या किस उम्मीद पर ये सोचूं कि नहीं आगे आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप हिम्मत हार रहे हैं ऐसा कह सकते हैं, जैसे 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 बहुत हुआ, ओके, आप थक चुके हैं,
ऐसा लगता है जैसे अब आप क्विट करना चाहते हैं, गिव अप करना चाहते हैं इस रिश्ते पर या इस इंसान पर, लेकिन ये इंसान अभी भी ऐसा ही बिहेव कर रहा है या शो कर रहा है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डिसअपॉइंटेड हैं, ओके, आप डिसअपॉइंटेड हैं या आपने क्या एक्सपेक्ट किया था, आप आगे क्या चाह रहे हैं, आपका क्या इमोशनल क्या आपका स्टेटस है, वो ये सब जानने में इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं, थोड़ा ईगो में दिख रहे हैं, तो अभी ये इनका समय है कि ये इतना ईगो दिखा रहे हैं। और अभी ये आपका ही समय है कि आप इतना निराश हो रहे हो, आपने जो उम्मीदें इतनी बनाई थी वो उम्मीदें भी टूट रही हैं। ये आपका दोनों की डेस्टिनी में ये लिखा था ये होना, कहीं ना कहीं आप जिस तरह परेशान हो रहे हो, जिस तरह वो इतना कोल्ड बिहेव कर रहे हैं या कर रही हैं, ये सब कुछ डेस्टाइंड है, ये कार्मिक है या डेस्टाइंड है, ये होना है। लेकिन आगे जाके मुझे लगता है कि यहाँ पे जस्टिस मिलेगा व्यूवर्स आपको। यस, ऐसा लगेगा कि आप जितना परेशान हुए हैं, जितना आपको तकलीफ मिली है, उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर जस्टिस मिलेगा, उतना अच्छे से जस्टिस मिलेगा। और जस्टिस के फॉर्म में मैंने आपसे कहा क्या होगा कि आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफर की जाएगी, यानी कि यही इंसान जो अभी एटीट्यूड दिखा रही हैं ये आपको स्टेबिलिटी ऑफर करेंगे। ये स्टेबिलिटी ये है, कोई कमिटमेंट देंगे या प्रपोज करेंगे या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए कोई वादा कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि यस हम इंगेजमेंट करेंगे, मैं आपको लेकर सीरियस हूँ, ऐसी कुछ सीरियस ऑफर्स आपको दे सकते हैं, सॉलिड स्ट्रॉन्ग ऑफर्स आपको दे सकते हैं। लेकिन क्या शादी सच में हो पाएगी, हो ही जाएगी शादी, क्या आप इनसे शादी कर ही लेंगे, तो यहाँ पर अभी ये चीज़ क्लियर है ही नहीं। अभी एनर्जी मैं कहूँगी चेंज हो रही है या फ्लक्चुएट कर रही है, बिल्कुल स्टेबल नहीं है। जो अभी सिचुएशन है, जिस तरह की एनर्जी में आप और आपके पर्सन हैं, जिस तरह की सिचुएशन में आप और आपके पर्सन हैं, अभी से ये कह देना कि ऐसा ही होगा वैसा ही होगा अनफेयर होगा, क्योंकि अभी तो सिचुएशन इतनी क्लियर है नहीं। आगे जाके तो आपको जस्टिस मिलेगा या आपको स्टेबिलिटी ऑफर करेंगे, क्योंकि इन्होंने आपके साथ कुछ अनफेयर करंट सिचुएशन में किया है जिसकी वजह से आप बहुत निराश हुए हैं व्यूअर्स। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे फ्री होना चाहते हैं, दुखी हो चुके हैं आप, और ये इंसान फिर भी ऐसे ही बिहेव करता है जैसे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा दिमाग से चलने वाला इंसान है, काफ़ी लॉजिकल, काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान है। यस, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये इंसान काफ़ी दिमाग से चलते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल हैं। यस, ओके, मैंने कहा ना कि अभी एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है या चेंज हो रही है, इसीलिए अभी इतनी क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे कि ऐसा हो ही जाएगा, शादी हो ही जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफर होगी आपको ये नज़र आता है, लेकिन क्या सच में शादी हो जाएगी ऐसा नहीं दिख रहा है। तो ये बटरफ्लाई का कार्ड उसी ट्रांसफॉर्मेशन को, उसी बदलाव को दर्शा रहा है कि सिचुएशन में कोई बदलाव आ रहा है, और ऐसा लगता है व्यूअर्स आपकी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हो रही है, ये रिश्ता भी अभी ट्रांसफॉर्म होगा। मैं कहूँगी कि रिश्ता जहाँ पर भी है, जिस भी स्टेज पर पहुँचा है, अभी अभी एक इनिशियल स्टेज पर ही है, अभी ये और ट्रांसफॉर्म होगा। यहाँ पर मुझे लगता है आप भी व्यूअर्स जिस स्टेज पर हो उसी स्टेज पर नहीं रहोगे, जिस लेवल पर अभी आप हो, जिस रास्ते पर अभी आप खड़े हो, वहीं पर नहीं रहोगे लंबे समय तक। आपकी लाइफ में चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आपकी लाइफ में सोचने का तरीका, देखने का तरीका बहुत हद तक बदल जाएगा। यस, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि फिर जब आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा या ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, उसके बाद व्यूअर्स ऐसा नहीं लगता है कि आप किसी के पीछे भागेंगे, दे विल कम टूवर्ड्स यू, आप उनको चेज नहीं करेंगे या आप उनके पीछे पीछे नहीं जाएंगे, वो आपके पास आएंगे। वो क्यों आएंगे? क्योंकि जस्टिस ऐसा ही होगा, यही न्याय है, उन्हें आपके पास आना होगा, देन आप उनके पीछे नहीं जाएंगे, वो आपके पीछे आएंगे तब, या मेल है फीमेल है कोई भी है, देन दे विल अप्रोच यू। यस,
तो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, आ रहा है, थोड़ा उस ट्रांसफॉर्मेशन पर ध्यान दीजिए कि आपको थोड़ा बहुत अपने अंदर बदलाव भी लाने हैं, क्योंकि आपकी लाइफ भी बदल रही है, उसी के अकॉर्डिंग आपको खुद को भी बदल देना है। बटरफ्लाइज ट्रांसफॉर्मेशन शो करते हैं, अगर आपको अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में आसपास बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, लेकिन रेगुलरली नहीं, रेयर दिखते हैं, कभी कभी दिखते हैं, बहुत कम दिखते हैं। अगर आपको दिख रहे हैं तो उसका मतलब व्यूअर्स यही है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड। ओके, मुझे लगता है व्यूअर्स कि यहाँ पर स्ट्रेस बहुत है, आप फ्यूचर को लेके बहुत चिंता कर रहे हैं, बहुत चिंता कर रहे हैं। यस, योर फाइट, ऐसा लगता है व्यूअर्स जैसे आपने बहुत बहुत इस रिश्ते के लिए ना बहुत एफर्ट्स लिए हैं, आपने ये रिश्ता मेंटेन रहे, प्रिजर्व रहे, चलता रहे, इसके लिए आपने बहुत एफर्ट्स लिए हैं, कहीं ना कहीं कहूंगी बहुत सफर भी किया है, लेकिन फिर भी आपका सिर्फ स्ट्रेस बढ़ा है, स्ट्रेस ज्यादा हो गया और कुछ आपको फायदा नहीं दिखा। यस, मुझे लगता है यहाँ पर आपने कोशिश तो बहुत की लेकिन फिर भी स्ट्रेस कम नहीं हुआ है। थोड़ा सा आपको अब रिलैक्स हो जाना चाहिए, अब रिलैक्स हो जाइए, ज्यादा अब कुछ बदलने की, खुद से कुछ करने की कोशिश मत कीजिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, काम हो जाइए, आपको थोड़ा रिलैक्स होने की ज़रूरत भी है, रिलैक्स करने की ज़रूरत है, थोड़ा अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए और ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि दिख रहा है कि आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं व्यूअर्स। क्यों इतना स्ट्रेस लेते हो? स्ट्रेस मत लो इतना, बहुत टेंशन यहाँ पर आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है किसी चीज़ से लड़ रहे हो, अपने इमोशंस से लड़ रहे हो, अपनी फीलिंग्स से लड़ रहे हो, किसी चीज़ के साथ एक बैटल में हो आप, ऐसा लगता है। लेकिन अब व्यूअर्स आपको अपने अंदर बैलेंस मेंटेन करना होगा, बैलेंस मेंटेन कीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, अपने अपनी एनर्जी को जो एग्जॉस्ट हो चुकी है उतनी, उसको थोड़ा रिचार्ज कीजिए अपनी एनर्जी को, ठीक है। यहाँ पर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, इस वक्त आपको हीलिंग की, शांति की और रिलैक्सेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो यस, ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देने तो ज़रूर आएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा है, लेकिन शादी की बात अभी क्लियर नहीं है, इसीलिए पहले से बोलना, ये स्टेबिलिटी दी है जो सच में शादी हो पाएगी इसको लेकर या नहीं हो पाएगी, ये क्लियर मैसेजेस यहाँ पर अभी नहीं है। तो जितना यहाँ पर चैनल हुआ है वो मैंने आपको बताया है, यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी साइंस कवर हो जाते हैं, तो साइंस के लिए सोचेगा मत ज़्यादा। जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है वो काफ़ी गुड लुकिंग है या गुड लुकिंग होंगी, और ये काफ़ी अपनी इमेज को लेकर भी कॉन्शियस नज़र आते हैं, इनको अपनी इमेज की बहुत परवाह है, और मुझे लगता है मैच्योर अगर ज़्यादा नहीं है या है भी तो भी इनको ना इनका बिहेवियर बहुत प्रैक्टिकल है लाइफ को लेकर काफ़ी। तो व्यूअर्स, ये थी रीडिंग, आई होप ये रीडिंग थोड़ा बहुत हेल्प करती है, कुछ हद तक आपको गाइड किया है इसने, अगर थोड़ी भी हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके। ओके व्यूअर्स, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।